उम्र युव सब बन जाएंगे। मेरे इतलात के मुताबिक 21 लगभग हल्के ने कौमी असम्बली के वो इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट से स्टे हो चुके हैं। अगर 50 के लगभग हल्के स्टे हो जाते हैं तो ये हुकूमत किस तरह बनाएंगे? इस तरह सूबाई असम्बली की उनकी सीटें स्टे होंगी तो रिज़र्व उनकी कहाँ से आएंगी? लिहाजा उनका हुकूमत बनाने का जो हदफ है वो पूरा नहीं हो रहा है। परवेज साहब बताइएगा कि IMF की तीसरी किस्त आ रही है, लेकिन तीसरी किस्त में उन्होंने शर्त रखी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो हम तीसरी किस्त देंगे, आप सपोर्ट करेंगे? हमने पहले IMF के साथ डील को सपोर्ट किया था, कतई नहीं करेंगे, ताकि ये पैसे इन चोरों को मिले और ये जनाब फिर जो है बाहर भेजें। IMF की डील में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन शर्त थी और इलेक्शन का इन्होंने ये हाल कर दिया है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले हमने कोऑपरेट किया था, इंशाल्लाह कोर कमेटी इस पर डिस्कस करेगी, खान साहब से हम इस पर बात करेंगे और एक क्लियर कट मौकफ के साथ आएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो नजरें तो या जो डायरेक्शन आएगी तो वो PTI की तरफ आएगी। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज के बलबोते पे रिमिटेंसीज की मद में इस मुल्क को इन माशी बदतरी से निकाल सकती है। दूसरी बात, अगर ये शर्त है कि जी कौम डिफॉल्ट करेगा और अगर डिफॉल्ट से बचाने के लिए PTI ने फिर कुर्बानी देनी है, हमारे लिए डिफॉल्ट से कबल और तमाम चीज़ों से अव्वल तर जो है वो रूल ऑफ लॉ है। जिस मुल्क में जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी ना हो वो अखलाकी तौर पे भी डिफॉल्ट कर चुका होता है, कानूनी तौर पर भी कर चुका होता है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, 10 दफ़ा ये मुआशी तौर पर डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन मुल्क को ज़रूरत है रूल ऑफ लॉ की। अगर रूल ऑफ लॉ कंप्रोमाइज़ होती है माशी डिफॉल्ट पे, हमारी तरजीह जो है रूल ऑफ लॉ होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। फिलहाल भुट्टो कह रहे थे कि हमने बारहा आपसे रिक्वेस्ट की कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो किस वजह से? यही बात तो मैं कर रहा था कि पीपल पार्टी हमें बार बार कह रहे थे आए मिल के हुकूमत बनाते हैं। हम पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसे लोगों के साथ हुकूमत बनाने पे जो खुद मैंडेट चोरी कर चुके हैं। तो लिहाजा प्लीज जरा थोड़ी सी ये तवज्जो दें। बिलावल भुट्टो साहब, पीपल पार्टी, MQM और नून के साथ जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, कतई जो है हम हुकूमत साजी कैसा नहीं बनेंगे। शुक्रिया।